हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में होगा। हमेशा मार्च में ही होता था, बट स्कूल काफ़ी दिनों तक बंद होने की वजह से अभी भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसके लिए एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा लेट होगा और अभी भी एग्ज़ाम डेट कन्फर्म नहीं हुआ है। 14 तारीख को एक मीटिंग है, उस दिन आपका एग्ज़ाम डेट कन्फर्म हो जाएगा 14 जनवरी को। तो अभी हम बात करेंगे लड़कियों के लिए क्या फ़ायदे हैं इस एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये जो यूपी बोर्ड है इसका 100वां साल पूरा हो गया 2021 में। 100 साल पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अभी 100 साल कंप्लीट हो गया। ये सारे आप लोग पढ़ लेना। और इस बार जो एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त, मतलब हाफ गवर्नमेंट कॉलेज एंड वित्त विहीन यानी कि प्राइवेट कॉलेज जो है, गर्ल्स कॉलेज हैं, उनको भी एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए बात किया गया है। इसमें आगे देखिए, वहीं दूसरी ओर स्कूल के केंद्र बनने पर बालिकाओं को स्वकेंद्र का सुविधा का लाभ भी मिलेगा। यदि कोई यहाँ पे सपोज़ करो, यहाँ पे DAV कॉलेज है, ठीक है, इसको अगर DAV होता है, अगर एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है इसको, तो इसमें क्या है, लड़कियों को इसी कॉलेज में एग्ज़ाम देना होगा, किसी और कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लड़कों का सेंटर कहीं और जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी स्कूल को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा रहा है तो उस स्कूल के जितने भी लड़कियां उसी स्कूल में एग्ज़ाम देंगी, बट लड़कों का क्या है, एग्ज़ाम सेंटर अलग बनेगा। ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और इस बार जो लगभग स्टूडेंट हैं, 25 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं 10th और 12th दोनों मिला करके, और जो टोटल सेंटर्स बनेंगे वो 12,000 से अधिक सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर दूर बैठाना पड़ेगा इस बार। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, जो स्कूल सेंटर बनेंगे वहाँ छात्राओं को मिलेगा स्वकेंद्र का लाभ, यानी कि जो सेंटर बनेगा उस स्कूल की जो गर्ल्स हैं उस स्कूल में एग्ज़ाम देंगी, उनको कहीं दूर नहीं जाना होगा। और जितने भी गर्ल्स स्कूल हैं, अगर उसको सेंटर बनाया जा रहा है ना एग्ज़ाम सेंटर, तो उस पर लड़कों का सेंटर नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पर केवल लड़कियों का ही सेंटर रहेगा। और सबसे ख़ास बात क्या है, अगर उस स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है तो उस स्कूल में जितने भी गर्ल्स हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा उस स्कूल से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के अंदर में ही दूसरा एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, ज़्यादा दूर सेंटर नहीं बनेगा इस बार। तो ये सब सुविधाएँ हैं इस बार लड़कियों के लिए, तो आप ये सब देख सकते हैं। मैं ग्रुप में इसका लिंक PDF सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो जो ख़ास बात है लड़कियों के लिए है कि उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनका उनके स्कूल को सेंटर बनाया जाता है तो उनको वहीं एग्ज़ाम देना होगा, अगर उनके स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जाता है तो उनके स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर में ही एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वह आप वहाँ से ज्वाइन करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और फिर हम 14 तारीख को डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, जैसे एग्ज़ाम डेट कन्फर्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।